नमस्कार, मैं राघव जैन आपका स्वागत करता हूं आज शाम के खास बुलेटिन एक्सप्रेस प्लस में। हाथरस गैंगरेप पीड़ित के परिवार के साथ क्या हो रहा है इस वक्त, इस पर करेंगे बात, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस शासित राज्यों में कानून लाने की तैयारी, सोनिया गांधी ने दी थी सलाह। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में आज बैरकपुर 12 घंटे के लिए रहेगा बंद। स्वास्थ्य विभाग का दावा, बिहार में 60 दिनों में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने का दर 28% बढ़ी। हाथरस पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज कांग्रेस का सत्याग्रह, महात्मा गांधी और अम्बेडकर की प्रतिमाओं के सामने मौन धर। रैली में मंच से राहुल और रावत के सामने कैप्टन को खरी खरी सुना गए सिद्धू। कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खबर, चंडीगढ़ पीजीआई में कारगर रही ऑक्सफर्ड कोविड शील्ड वैक्सीन की पहली डोज। चंडीगढ़ में फर्जी दस्तावेज के साथ किराएदार ने रची घर हड़पने की साजिश, 3 वकील भी थे साथ। टूथपेस्ट पैक पर 5 रुपए ज्यादा वसूलना, कंपनी को पड़ा महंगा, अब देने होंगे 5,500 रुपए जुर्माना। पंजाब में 1,00,000 लोग हुए ठीक, इनमें 47% ने घर में ही कोरोना को हराया। पहले 50,165 दिन में, दूसरे 50,025 दिन में हुए ठीक। 4 दिन में 2 बार सिद्धू के घर पहुंचे रावत, पार्टी हक में घर से बाहर लाने में कामयाब। रविवार सुबह 7 में नाश्ता कर एक गाड़ी में मोगा गए। ठीक हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, आज उनको अस्पताल से दी जा सकती है छुट्टी। रूस में फिर लौट रहा है कोरोना, मई के बाद 10,000 से ज्यादा केस आए सामने। आईपीएल 2020, शारजाह में हैदराबाद के खिलाफ मुंबई को मिली आसान जीत। कल एक बार फिर से धोनी के शेर दहाड़े, पंजाब के पाले में आई कल हार। अब नजर बड़ी खबर पर। हाथरस गैंगरेप पीड़ित के परिवार को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में रखा। गांव में तनाव और घर वालों को मिल रही धमकियों के बीच सरकार के निर्देश पर यूपी पुलिस वहां पर तैनात है। पीड़िता के भाई के साथ 2 पुलिसकर्मी अंगरक्षक की तरह लगाए गए हैं। घर के बाहर 1.5 सेक्शन पीएसी की 24 घंटे तैनाती की गई है। डिप्टी एसपी स्तर के एक अधिकारी सहित कई पुलिस वालों की तैनाती की गई। एक मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी गांव में लगाई गई है। 2 महिला एएसआई वे 6 महिला कांस्टेबल घर के बाहर तैनात है। गांव में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए 15 पुलिस के जवान, 3 एसएचओ भी 24 घंटों की ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन क्या लड़की को इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि हमारे देश में निर्भया कांड के बाद भी ऐसी दरिद्रगी नहीं रुक पा रही। ऐसी बर्बरता के मामले दिन प्रतिदिन हमको देखने को मिलते हैं। अभी आप बात कर ले कि एक यहां पर कांड हुआ, लेकिन उसके बाद एक और खबर आ जाती है कि यहां पर किसी बेटी के साथ, हम बेटी को किसी जात पात के साथ नहीं लगाएंगे, लड़की लड़की है। कानूनों में संशोधन होते जा रहे हैं, सरकारें मुआवजा दे रही है, लेकिन क्या उनके मुआवजे उनकी बेटी लौटा देगी? बेटी किसी की भी हो सकती है। लड़कियों को सिखाया जाता है गुड टच और बैड टच, लेकिन क्या अगर लड़कों को ही इस बात की शिक्षा दी जाए कि लड़की के साथ बर्बरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए? एक नजरिया होता है देखने का, उस नजरिए को सुधारने की जरूरत है। हमारा देश जब ऐसे हालात होते तो एक साथ हो जाते, लेकिन जैसे ही कुछ समय पड़ जाएगा, कुछ हालात ठीक होंगे, सब भूल जाएंगे। एक ट्रेंड शुरू हो जाता है, मैं मीडिया की बात करूं तो एक ट्रेंड शुरू हो जाता है। जब सुशांत की केस की बात करूं तो बहुत ज़्यादा चिल्लाया जा रहा था, लेकिन अब जब बेटी, जब एक दलित बेटी का कह के जो वोटों के लिए आया जा रहा है, राहुल गांधी को भी बाद में याद आया कि अब केस ने उछाल ले लिया तो मैं भी आ जाऊं, ठीक है ना। धक्का अगर पहले खाया होता तो शायद बेटी भी बच जाती और देश की करोड़ों बेटियां बच सकती हैं। अब देखना होगा कि लड़की को इंसाफ मिलता है या नहीं। ऐसी देश और दुनिया खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।